नमस्कार, मैं शुभकरण सहायक आचार्य EFM श्री राधेश्याम आर मुरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। आज हम BCOM पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर सेकंड इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम यूनिट संख्या प्रथम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों हुई, क्या कारण रहे, क्या उद्देश्य है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना या प्रबंध व्यवस्था क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन से प्रतिबंधित कार्य हैं। आज हम इसी क्रम में आगे अध्ययन करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाख नियंत्रण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, शाख नियंत्रण की विधियां। मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एक इसका अलग से भी एक चैप्टर है आपके कोर्स में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस प्रकार से शाख का नियमन नियंत्रण करता है या शाख पे कंट्रोल किस प्रकार से करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कई विधियाँ ही प्रयोग में करता है, पर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ शाख नियंत्रण में तो शाख नियंत्रण की दो विधियाँ हैं। प्रथम, शाख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियाँ, शाख नियंत्रण की गुणात्मक विधियां। गुणात्मक विधियां इसको अपन शाख नियंत्रण में क्वांटिटेटिव भी कह सकते हैं, परिमाणात्मक को, और क्वालिटेटिव भी कह सकते हैं गुणात्मक को। तो शाख नियंत्रण की विधियां आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जिसमें क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत प्रथम है बैंक दर। बैंक रेट, जैसा कि आप कई बार पढ़ भी चुके हैं कि बैंक दर क्या है और बैंक दर का किस प्रकार, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंक दर वह दर होती है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक या भारत में RBI प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों द्वारा अनुमोदित ऋण पत्रों की जमानत के आधार पर व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करते हैं, बैंक दर कहलाती है। या अपन भारतीय रिजर्व बैंकिंग अधिनियम की धारा 49 के तहत इसकी बात करें, सेक्शन 49 में, कि रिजर्व बैंक में बैंक दर क्या है, कि बैंक दर वह प्रमाणित दर है जिस पर यह है या RBI ऐसे विनिमय बिलों या व्यापारिक पत्रों का क्रय या पुनः कटौती करने का या पुनः कटौती करने को तैयार रहता है जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत क्रय किए जाते हैं। कहने का मतलब है ये है कि रिजर्व बैंक अपने जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उसको किस दर पे पैसा उपलब्ध करवाता है या किस आधार पे उसको रुपये उपलब्ध कराता है, वो बैंक दर कहलाती है। ये बैंक दर परिवर्तित होती रहती है। भारत में बैंक दर में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, तो इस प्रकार बैंक दर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। जो कि हम बात करें 5 फरवरी 2018 तक अपनी बैंक दर 6.25 थी, 5 फरवरी 2018 में बैंक रेट कितनी थी, 6.25%। दूसरे हम बात करें खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाओं में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, इसे अपन ओपन मार्केट ऑपरेशन भी कहते हैं। खुले बाजार की क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जिसमें प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, वो
खुले बाजार की क्रियाएं हैं जो कि धारा 17(2) सब सेक्शन ई में सम्मिलित है। तीसरा है नकद कोषानुपात में परिवर्तन। कैश रिजर्व रेटो रेट CRR भी इसे अपन कह सकते हैं। चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो में भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों के नकद कोषानुपात में परिवर्तन करके भी साख का नियमन नियंत्रण करता है, क्योंकि रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 प्रथम में इसको डिफाइन किया गया है। सेक्शन 42 सब सेक्शन 1 में इसको डिफाइन किया गया है जो कि रिजर्व बैंक में नकद कोषानुपात में किस प्रकार से परिवर्तन हुए हैं इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित किया। वर्तमान में 5 फरवरी 2018 को CR 4% थी। अगले हम बात करें वैधानिक तरलता अनुपात में परिवर्तन SLR। ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रेट्स है जो कि भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 में इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 24 में कि SLR मुख्यतया अनुसूचित बैंकों के लिए अपनी कुल जमाओं का कम से कम 20% तरल के रूप में रखना होता है या तरल के रूप में अनिवार्य रूप से कर दिया गया। इसको अब संशोधित करके 1962 में SLR को बढ़ा करके 25% तक कर दिया गया जो कि रिजर्व बैंक अपने पास रखती है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर इस फंड की या इस फंड को अपन काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार रिजर्व बैंक की परिमाणात्मक विधियों में 4 हैं। अब हम बात करेंगे रिजर्व बैंक की क्वालिटेटिव मेथड्स की कि रिजर्व बैंक की गुणात्मक विधियां कौन कौन सी हैं। प्रथम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गुणात्मक विधियों में चयनित साख नियंत्रण। चयनित साख नियंत्रण इसे अपन सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी कहते हैं। चयनित साख नियंत्रण, चयनित साख नियंत्रण RBI रेगुलेशन एक्ट की धारा 36 प्रथम में सेक्शन 36(1) में इनको डिफाइन किया गया है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह अधिकार प्राप्त है कि वे सभी बैंकिंग कंपनियों को या एक बैंकिंग कंपनी को किस प्रकार विशेष लेन देन या विशिष्ट श्रेणी के लिए मनाही करता है, तो वो चयनित साख नियंत्रण की श्रेणी में आता है, जिसमें मुख्यतया विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाता है, जिसमें कच्चे माल के सट्टे या मुनाफाखोरी आदि पर प्रतिबंध लगाना, कीमतों में वृद्धि को रोकना, ये इसमें मुख्यतया सम्मिलित है। तो उपयुक्त विभिन्न प्रकार की मदों के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साख नियंत्रण या साख चयनित साख नियंत्रण का कार्य भी करता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की कटौती दरें हैं, पुनर्सुविधाओं का आवास लेना है, ऋण जमा अनुपात को निश्चित करना है, कतिपय क्षेत्रों के ऋणों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका प्रतिबंध लगाता है, मूल्य तर का निर्धारण करता है, आयात पूर्व जमा से संबंधित ये भी कार्य करता है और पूर्वानुमति से भी ऋण है। अगला है साख की राशनिंग करना। साख की राशनिंग में हम बात करें क्रेटिंग ऑफ क्रेडिट। साख की राशनिंग भी मुख्यतः रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, क्योंकि साख नियंत्रण की इस विधि के अंतर्गत रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों द्वारा दी जाने वाली कुल साख की विभिन्न उद्योगों को, विभिन्न क्षेत्रों को, व्यवसायों के बीच में इस प्रकार से वितरण कर देता है, जिसके लिए उदाहरण के रूप में बात करें रिजर्व बैंक वाणिज्य क्षेत्रों के बैंकों को स्पष्ट आदेश दे रखा है कि कुल ऋणों का एक निश्चित भाग अनिवार्यतः प्राथमिकता क्षेत्रों में देंगे। तो ये मुख्यतया साख की राशनिंग है। अगला है नैतिक अनुनय। नैतिक अनुनय भी एक साख नियंत्रण इसको अपन बोल सकते हैं। नैतिक अनुनय को मॉरल
परसुएशंस नैतिक अनुनय अगर किसी प्रकार का साख नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को अपने नैतिक प्रभाव का उपयोग करता है, क्योंकि रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को समझा बुझाकर भी अपनी साख नियंत्रण की नीति के अनुसार भी प्रेरित करता है, तो इस प्रकार नैतिक अनुनय दबाव प्रचार विज्ञापन आदि के माध्यम से रिजर्व बैंक समय समय पर व्यावसायिक बैंकों को परामर्श देता है कि किसे किस प्रकार कितना ऋण देना है और किसे नहीं देना है। तो ये भी है, इस प्रकार गश्ती पत्रों के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, विभिन्न प्रतिभूतियों के माध्यम से भी ये नैतिक अनुनय से संबंधित कार्य किया जाता है, जो कि लीगल तरीके से व्यक्ति विशेष को सूचना दी जाती है। फोर्थ कंट्रोल की हम बात करें कि किस प्रकार से है प्रत्यक्ष कार्रवाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डायरेक्ट एक्शन भी ली जा सकती है, प्रत्यक्ष कार्यवाही डायरेक्ट एक्शन कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस प्रकार प्रत्यक्ष कार्य करता है, क्योंकि किसी प्रकार का अपराध अगर वो है तो उसको दंडित देने का भी प्रावधान है, क्योंकि बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक के द्वारा साख नियंत्रण की प्रणाली या सलाह नहीं मानने पर या रिजर्व बैंक द्वारा एक प्रत्यक्ष कार्य करने का भी एक अधिकार प्राप्त है। यदि कोई वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक के आदेशों की अवहेलना करता है तो वह प्रत्यक्ष कार्यवाही के लिए रिजर्व बैंक जताया, जैसे उदाहरण के रूप से बात करें कि 19 मई 1992 में बैंक ऑफ करार बंद करने का निर्णय लिया गया और मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन बैंक के कामकाज पर प्रतिबंध लगाने का कार्य किया गया और उनसे अनेक प्रकार के जिन्होंने घोटाले के उसको बंद करने का कार्य भी प्रत्यक्ष कार्यवाही के माध्यम से की जाता है। तो इस प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साख नियंत्रण का जब कार्य करते हैं तो इस प्रकार से परिमाणात्मक और गुणात्मक क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव मेथड्स के आधार पर इनका एनालिसिस किया जाता है, जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आसानी से विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। इस प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ साख नियंत्रण का भी मूल्यांकन मुख्य रूप से ये करता है, बहुत ही सही तरीके से साख नियंत्रण की क्रियाएं इसमें सम्मिलित हैं, जिसमें मैंने आपको परिमाणात्मक में बताया बैंक दर, बैंक रेट क्या है, खुले बाजार की क्रियाएं, CRR और SLR और परिमाणात्मक गुणात्मक विधियों में चयनित साख नियंत्रण, सेलेक्टिव साख की राशनिंग और नैतिक अनुनय और डायरेक्ट एक्शन से संबंधी ये साख नियंत्रण की विधियों में मुख्यतया सम्मिलित हैं, जो कि बहुत उपयोगी हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब साख का नियंत्रण करता है तो RBI एक्ट और रेगुलेशन के तहत वो विभिन्न प्रकार के कार्य आसानी से कर सकते हैं, जिससे रिजर्व बैंक एक महत्वपूर्ण तरीके से या महत्वपूर्ण तरीके से भूमिका का भी निर्वहन करते हैं। तो इस प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी एक आर्थिक विकास का हम सूचक की हम बात करें तो आर्थिक विकास में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसमें प्रथम है मुद्रा व साख पर नियंत्रण करना, उसका निर्गमन करना, बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं का विकास करना, पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, विदेशी विनिमय कोषों का प्रबंध करना, सहकारी संस्थाओं का विकास भी करना, सार्वजनिक ऋणों का किस प्रकार से प्रबंध करना ये कार्य भी करता है, और एक संतुलित आर्थिक विकास में योगदान, साख की किस प्रकार से उसको नियंत्रण करना है और आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग और परामर्श किस प्रकार से और निरीक्षण से संबंधित भी ये महत्वपूर्ण कार्य या आर्थिक विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका के रूप से भूमिका निभाते हैं कि किस प्रकार से साख का नियंत्रण किया जाए, किस प्रकार से आर्थिक तकनीकी का परामर्श किया जाए, किस प्रकार से नियमन नियंत्रण किया जाए, उसका किस प्रकार निरीक्षण किया जाए, सार्वजनिक ऋणों पर प्रतिबंध किस प्रकार लगाया जाए, ये देश की प्रगतिशील क्रियाओं में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी करते हैं। तो इस प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक भारत के आर्थिक विकास में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है और महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन जिसमें पत्र मुद्रा का किस प्रकार से नियमन नियंत्रण करना है, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं का किस प्रकार से विकास करना है, पूंजी निर्माण को किस प्रकार बढ़ावा देना है, कैपिटल क्रिएशन किस प्रकार से करना है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। अगला विदेशी विनिमय कोषों का प्रबंध किस प्रकार से करें, सहकारी संस्थाओं का विकास किस प्रकार से हुए, तो ये रिजर्व बैंक के आर्थिक विकास के सूचक के रूप में एक भूमिका का महत्वपूर्ण निर्वहन करते हैं। अगले अध्याय में हम आपके लिए लेके आएंगे कि रिजर्व बैंक की कौन कौन सी
सफलताएं हैं, अचीवमेंट्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और कौन कौन सी उनकी असफलताएं हैं, फेलर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उनका अगले वीडियो में हम आपके लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।